Sata presents you entrepreneurial leaders who make innovation happen. The video documentary is based on a research project named Entrepreneurial Science by Rahmatullah and Dr. Rashida R. Zohra. Let us see how great people develop great things for all of us. पर हम तकरीबन 200 इस तरह के साइंसदानों के काम को, हुनरमंदों के काम को और एंटरप्रेन्योर्स के काम को आप तक पहुंचाएंगे। We present to you Professor S.M. Qureshi as entrepreneurial leader of academia. Professor Qureshi played a historical role in science and technology and education sector of Pakistan. He will be a source of inspiration for generations to come. Professor Qureshi studied civil engineering, served industries, graduated from Asian Institute of Technology, Bangkok, served as Federal Secretary, Member Science, PSF, Chairman, PCST, Founding Vice Chancellor, Mehran University, and Advisor to Governor Sindh, and many other leadership roles. Professor Qureshi served on the boards of hundreds of institutes, organizations, international development agencies, and chaired science and technology and education committees. Professor Qureshi is the living legend. This nation feels proud that Professor Qureshi was included in the Hall of Fame by Asian Institute of Technology. He got hundreds of other national and international awards and honors. Professor S.M. Qureshi advocates for scientific leadership and encourages government to give opportunities to scientists to play leadership roles in the country. Let us see how he took scientific leadership role and contributed for the science and technology development of Pakistan. The conference ke dauran mere sawal jawabat ki wajah se Bhutto sahab ne मुझे कॉन्फ्रेंस के आखिर में मैसेज भेजा कि आया कि मैं इस्लामाबाद में आकर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई जवाबदारी जो है वो लूँगा। तो मैंने हाँ की और फिर मुझे ये 1.5 साल के बाद ये एक ऑर्डर आया कि मुझे मेंबर साइंस फाउंडेशन में मुकर्रर किया गया। साइंस फाउंडेशन के जो 4-5 फंक्शंस थे वो एक साइंस लीडरशिप के थे। पहला प्रोजेक्ट जो है 2.5 लाख रुपए मुझे याद है उसके हमने सैंक्शन किए थे। मैं वो खुद चेक लेकर वहाँ आया था। एक दिन ये ख्याल आया कि हमें एनिमल हस्बेंड्री पे ख्याल देना चाहिए और हमें मीट प्रोड्यूस करना चाहिए और मीट की एक्सपोर्ट करनी चाहिए। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है हम मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, इसको मैनेज कौन करेगा। तो ख्याल हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में हमें एनिमल हस्बेंड्री की जो है वो एक विंग बनानी चाहिए। उस वक्त जो था वो ये जज्बा था। इसी तरह जो है ना वो हम लोग काम करते थे। जब मुशर्रफ का पीरियड आया तो उस वक्त मैं नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन था और उसके वजह से मैं सेक्रेटरी था उस कमीशन का, नेशनल कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने ये अपना फ़र्ज़ समझा कि इस वक्त टाइम है कि साइंस के लिए फिर कुछ किया जाए। वो मैसेज जनरल मुशर्रफ तक पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और एकदम उन्होंने मुझे कहा कि 10 बिलियन रुपीज़ है, I commit with you to promote science and technology. आप ये मीटिंग बुलाएं और उस पर प्रपोजल से ले आए। फिर हफ्ते के बाद मुझे मैसेज आया कि मैं 5 बिलियन रुपीज़ और आपको देना चाहता हूँ स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ IT बिकॉज आई हियर दैट IT इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट इन द वर्ल्ड। तो उसी के ऊपर फिर मैंने जो है वो वर्किंग पेपर एजेंडा बनाए। एज इन द कैपेसिटी ऑफ फेडरल सेक्रेटरी इन एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी, जो उनके एक्सपीरियंस थे डिसीजन मेकिंग के, जब उन्होंने वो शेयर किए तो वो हमें बहुत सारे अच्छे लगे। पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड ग्रेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द अर्ली 70s ड्यू टू डायनामिक लीडरशिप ऑफ साइंटिस्ट्स। उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी खुद मोबिलाइज थी। वो खुद बुला के वजीरों को कॉन्फ्रेंसों में दूसरों में बताती थी कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो साइंटिफिक कम्युनिटी का उस वक्त का बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त मिसाल के तौर पर हमारी
कई दर्जने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि साइंटिस्ट जो है उनको चलाते थे, और हर साल उनकी साइंस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आते थे और उनको बताया जाता था कि देखें बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है, अगर आप अपने मुल्क को सिक्योर रखना चाहते, अगर आप अपने मुल्क में तरक्की करना चाहते तो इस वक्त तरीका सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का है। 1975 में मैंने सवाल किया मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि सर हमें तो कोई रोड मैप फिर होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे चलाने में, तो कह रहे आपका क्या मतलब, मैंने कहा साइंस पॉलिसी होनी चाहिए। तो मैं और डॉक्टर अशफाक बरो हम दोनों की उन्होंने एक कमेटी बना दी जिन्होंने ड्राफ्ट कमेटी जिन्होंने 1975 में ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी बनाई, मगर भुट्टो साहब के जाने के बाद वो पॉलिसी कैबिनेट के पास यूं रही कि 1984 में ये पहली नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो है अप्रूव होकर बाहर आई। उसका जो विजन है द पर्सन जिस तरह उसको कंसीव करता है आइडियाज़ को या एक क्रिटिकल अप्रोच जो है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल अप्रोच वो बहुत दोनों जो है उसकी बहुत अच्छी है। Professor Qureshi played a foundation role in developing NUST with his vision and resources being the Federal Secretary Science and Technology, Pakistan. हम चाह रहे थे कि कोई MIT, IIT, AIT, KAIST जैसा कोई अदारा मुल्क में बने। Unfortunately, वो नहीं बन सका। तो फिर उस ज़माने में मैं सेक्रेटरी एजुकेशन था और जनरल शुजा जो उसका पहला रेक्टर था, तो मुझे याद है कि वहाँ पर ये आइडिया निकला कि भाई देखें सारी रिसर्च डेवलपमेंट अमेरिका में दूसरे एडवांस कंट्रीज़ में जो निकली वो पहले डिफेंस से निकली। इस आइडिया को लेकर ये चले जनरल शुजा और फिर ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के नाम से बनी। बाय द टाइम ये बनी मैं सेक्रेटरी साइंस बन गया, तो मेरे पास जितने अदारे थे वो काम नहीं करते थे, खर्च नहीं करते थे, जो बजट आती थी वो सरेंडर करते थे, तो सारी बजट मैं NUST को देता था और NUST वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स ले आते थे। मैं DGWP की मीटिंग करता था रात को 8-8 बजे तक बैठ कर NUST के प्रोजेक्ट्स अप्रूव करता था। इसीलिए मुझे पता नहीं था, मैं एक बार दोबारा NUST गया तो उन्होंने मुझे रिसेप्शन दी और उस वक्त रेक्टर नहीं था, वाइस रेक्टर था उनका जो था, वो मुझे लंच पे ले गया और डीन फिर उसको बुलाया, मैंने उसको कहा कि इतना तकल्लुफ करने की क्या ज़रूरत थी, कह रहा नहीं नहीं आज मैं इनको कुछ बताने वाला हूँ। तो उठ के मुझे वेलकम किया और उनको कहा कि आपको पता है कौन आज हमारे पास बैठा है, ही इज़ फादर ऑफ NUST। आजकल के ज़माने में व्हेन आई इवन एज़ अ वाइस चांसलर सीज के हमारे यहाँ सोचने वाले लोग बड़े कम हैं, कोई साहब इज़ ए थिंकर, ये इन चंद लोगों में से हैं जो कि मुसलसल सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करें, तो ही इज दैट ब्रीड। ही डिड अ मिरेकल बाय फाउंडिंग मेहरान यूनिवर्सिटी एज अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी मेंटेनिंग टोटल मेरिट एंड एकेडमिक रिगर इन इंटीरियर सिंध। हमने भुट्टो साहब के ज़माने में ये न्यूक्लियर पावर डेवलप करने का तय कर लिया, डॉक्टर ए के खान वगैरह ऐसी टीम हम मिल गई, तो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी का रुख मोड़ लिया। उसमें पहला हमने जो डिसीजन ली वो ये ली कि हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, और भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि यू विल हेड वन यूनिवर्सिटी, यू विल एस्टैब्लिश वन यूनिवर्सिटी। तो व्हेन आई केम एज वाइस चांसलर ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी, तो वो उस ज़माने का वो भुट्टो साहब वाला वो चैलेंज मेरे जहन में था। 77 मार्च में मैं यूनिवर्सिटी बना, मेहरान यूनिवर्सिटी बनी, मुझे ये जहन में था बनाना क्या है। उसे तीन डिपार्टमेंट्स थे मगर मैंने कोई 12-13 डिपार्टमेंट्स बना दिए, नए नए डिसिप्लिन, नई नई चीज़ें, उसके लिए प्रोग्राम बना दिए। मैं कोई भी काम जो है वो अकेले सोच के नहीं करता था, मैं बिठाता था डीन्स को दूसरों को, इसी वजह से ये सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस
सारे बना दिए, कोई भी वाइस चांसलर आए चल पड़ता है। He is one of the very kind, very modest person I ever saw in my life. He not only built the institution, he built the people. उसका जो पीस ऑफ माइंड है रिएक्शनरी नहीं है, और मैंने आज तक कभी उसको किसी भी मीटिंग में रिएक्शन में कभी कोई चीज देते हुए नहीं देखा। Professor Qureshi made a historic contribution to the science and technology sector of Pakistan. He conceived and developed Mehran University Institute of Science, Technology and Development to supply research on science and technology policy of Pakistan. आपने मस्जिद बनाई है। You are training people to how to frame science technology policy, how to execute it, how to evaluate it, and how to come back if you see that you are not on the right path and correct yourself. He unfolds the secrets of science and technology stagnation in Pakistan. उन सब की अगर आप बजट देखेंगे तो हार्डली कोई पैसे बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बाकी उनके सैलरीज पे लगते हैं, और साइंटिस्ट की स्टैग्नेशन हो जाती है। जो उनकी स्टैग्नेशन है और लैक ऑफ फंडिंग है, उसी की वजह से जो है ये सारी जो साइंटिफिक एफर्ट हमारा है जो वो अब इस पुअर स्टेज पे पहुंच गया है। गैप था वो फिल करने की कोशिश कर रहे थे कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हो हमारे पास, ताकि लोग लाइन ऑफ एक्शन तय करें आगे के लिए। उनका ये था कि एक क्रेडिबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट के तौर पे ये मस्टर्ड उभरे, जो कि पॉलिसी इनपुट्स दे पीसीएसटी को, दे एचईसी को, दे इज गॉट ट्रेमेंडस लीडरशिप क्वालिटीज। देखें, उन्होंने सिर्फ मस्टर्ड नहीं बनाया है, उन्होंने पूरी मेहरान यूनिवर्सिटी बनाई। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कहते हैं, 3%, 4%, 7% ऑफ GNP तक वो ममालिक स्पेंड करते हैं। यूनेस्को की मिनिमम लिमिट जो है वो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 1% है ऑफ GNP। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान की 0.15% है। अब इतनी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, अब अगर इतना कसीर पैसा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, तो आप समझते हो सिर्फ सैलरीज के अलावा किसी और काम में नहीं लग सकता। इस वक्त साइंस की तरफ तवज्जो ये है कि पिछले साल सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये बयान दिया था कि इस साल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बजट जो है वो ऑरेंज लाइन जो लाहौर में बन रही है उसके 1 मील के खर्च से कम है। SAFA requests you to share such video documentaries with your fellows and young kids to inspire them for great role in life. Please do share with such potential unsung heroes to be included in research projects and video documentaries. You can email us at safa@irp.edu.pk or see us on www.safa.org.